जिम से आते ही सीधा सीधा जा रहे हैं हम वैक्सीन लगवाने। तो ये पुराने कार्ड ले लिया मैंने और थर्ड शॉट लगवा रहे हैं गाइस। हम कोविड बूस्टर भी बोलते हैं इसको, और फाइज़र की लगवाई थी हमने पहले, तो अभी भी फाइज़र की लगवा रहे हैं। और बाय द वे, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अगर आप सोचो ना कि थर्ड शॉट क्या पहले दो शॉट से डिफरेंट है, नहीं, सेम है, बट इट्स लाइक कि एक बार और दे रहे हैं। तो हमने वो लगवाई थी पहले दो शॉट्स मई में, अभी हो गया दिसंबर, तो 7 महीने हो गए, और 6 महीने के बाद तो आप बूस्टर लगवा सकते हो। और आई डोंट लाइक कल क्या होने वाला है। अभी शाम के 6:30 बजे हैं, 6:30 और 7 बजे दो अपॉइंटमेंट है हमारे पास। और बाद में हम फ्लू शॉट भी लगवा रहे हैं आज, आज ही साथ के हाथ किया, दोनों चीज़ें साथ साथ। क्या? मैंने बता रहा था कि मैंने फ्लू शॉट और कोविड बूस्टर हम तीनों लाइक दोनों चीज़ें साथ साथ लगवा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन रिसर्च कर लिया था ये दोनों साथ में लग सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमने कहा लगवा लो, क्यों नहीं, राइट? जब एक बार इंजेक्शन लग रहा है तो, और एक बार भी दर्द होना है तो फिर सेम ही वाले दर्द। राइट। और मैंने ना जिम में आज ट्राइसेप्स मारे, तो आई डोंट नो कि कल ट्राइसेप्स का दर्द होगा या फिर इंजेक्शन का दर्द होगा। दर्द तो हमारा फॉर श्योर है। पिछली बार आपने कुछ ऐसे किया था ना कि गोली नहीं खाई थी, कि मैं देखना चाहता हूँ मैं कि गोली क्या आज भी हुआ, नहीं खा रहा, देखना चाहता हूँ मैं गोली नहीं खा रहा, मैं आज भी नहीं खा रहा मैं तो गोली। खा के सोऊंगी। तुम खा के सो ना, मैं फिर देखना चाहता हूँ कि कल मुझे क्या कुछ होता है, कि यू नो लाइक पिछली बार भी बीमार हुए थे, इस बार भी बीमार हुए। बीमार तो हो रहे हैं, मैंने देखा है। मेरे ना कई फ्रेंड्स ने भी ले लिया है थर्ड शॉट कोविड का बूस्टर, तो वो लोग बीमार पड़े हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मैं भी बीमार पड़ूंगा, पर जब दवाई खानी है तो तभी खा लूंगा ना, लाइक एक टिप लोगों के लिए जो जो टिप। वैक्सीन लगवाने जा रहा है, हाँ बताओ। ऐसी शर्ट पहनो जिसमें हाँ, जिसमें दिखता हो नहीं, शिल्प। ऐसा नहीं, मेरा देखो ये मेरी अच्छा अच्छा वैक्सीन टिश्यू है, वैक्सीन टी शर्ट है तुम्हारी, वैक्सीन ब्लाउज है वैक्सीन मेरा। टॉप है तुम्हारा। हाँ, हम नॉर्मल टी शर्ट भी पहन परफेक्ट सकते फॉर हो बाय द वे, वैक्सीन, ना नॉर्मल टी शर्ट भी पहन सकते हो तो हाँ ऊपर जाएगा। नहीं परफेक्ट फॉर वैक्सीनेशन, यू नो। चलो चलो। ऑलराइट, हम सीवीएस फार्मेसी पहुंच गए हैं। पहले रजत की अपॉइंटमेंट है ना 6:30 की, पहले रजत को इंजेक्शन लगेगा, ये सारा तुम्हारी साथ दर्द रजत को हो जाएगा, फिर मेरे को तो कुछ होगा ही नहीं। ये कैसा समझ गया? अच्छा साथ में लगे हैं शिल्पा, कितना ही बच लो, लगना तो है इसमें। उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछूंगा पहले, अगर वीडियो अलाउ करेंगे तो बना दूंगा, वरना वीडियो नहीं बना पाएंगे। फार्मेसी जा रहे हैं, यहीं कहीं लिखा होगा कि शॉट्स के लिए आ जाओ यहाँ पर, तो वहाँ चले जाएंगे। वैक्सीन चेक इन सामने हैं, बस में जा रहे हैं, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर लगेगा शॉट। पता चल पे जो लोग बैठे हैं ना, ये 15 मिनट्स वाला वेटिंग एरिया होगा, क्योंकि शॉट लगवाने के बाद यहाँ पे बैठना भी होता है ना 15 मिनट, मैं मॉनिटर करने के लिए कि आपको कोई रिएक्शन ना हो गया, ये वो होंगे शायद। डर लग रहा फिर से, डर लग रहा तुम्हें? दो शॉट ले चुकी है, कह रही डर लग रहा है। अभी है तुम्हारे पास 30 सेकेंड और है, क्योंकि उसकी वैक्सीन खत्म हो गई है, तो वो लेने गया हुआ है। उससे क्या हो जाएगा, डर कम हो जाएगा? 30 सेकेंड और मिल जाएगा ना तुम्हें। आवाज आ रही होगी मेरे मास्क से? कैसे? बिल्कुल आ रही होगी। मेरे हेलो, बाल कैसे हो रहे हैं? टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, मैं जिम हो गया हूँ शिल्पा। रजत ने भी तो मेरे बालों का भी तो नोटिस किया है ना? किसने नोटिस नहीं किया शिल्पा तुम्हारे बाल? अपने आप नोटिस करवा रही हो क्यों, तुम? आपने बोला ऐसे देख नहीं रहे थे आप शिल्पा लोग? नोटिस करवा रही है जानबूझ के गाइस, यूजुअली मैं ऐसी पार्ट करती हूँ, मैंने ऐसे पार्ट किया, ऐसा करके ऐसे कर दिया तो वैसे से खेलते रहते हैं, वाह। सही रहता। शिल्पा एक वैसे स्लोगन है, मुझे तो बाल देख के याद आया, यू नो, अगर आप जिम करने के बाद इफ़ यू स्टिल लुक प्रिटी यू डिडंट ट्रेन हार्ड इनफ। अच्छा, मैं अपने आप को मैं तो कभी जस्टिफाई, भी प्रिटी नहीं लगती। मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ चला गया भाई ये डॉक्टर? लगे बाजू वाले सीवियर से नहीं चला गया लेने, लगा दूसरे सीवियर चला गया होगा वैक्सीन लेने, वो वो अपनी तो नहीं लगवाने चला गया? वो अपने लगाने चला गया। आई नहीं, 10 मिनट हो गए बैठे बैठे। मीन वाइल डॉक्टर की वेट करते करते देखो गाइस मैंने क्या ढूंढा, COVID-19 होम टेस्ट, $39 का एक, FDA अप्रूव्ड, मतलब आप COVID-19 क्या बोला मैंने? COVID-9। अच्छा FDA अप्रूव्ड, घर पे टेस्ट कर सकते हो। और भी है $10 का है एंटीजन होम टेस्ट, रिजल्ट्स इन कितने फिफ्टीन जल्दी, मिनट्स शायद एक्यूरेट क्विक रिजल्ट्स, सो इसमें ये तो ना आप 15 मिनट्स। घर पे हाँ चेक कर सकते हो। इसमें दो टेस्ट हैं $24 के, घर पे टेस्ट कर लो अगर आपको बाहर नहीं जाना तो। ये क्या है? ओमिक्रॉन 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 है वो। ओके आ गया डॉक्टर, पीछे आ रहे हैं। This for you first. So this is a Pfizer shot, right? And yeah. It's supposed to be a booster shot. Yeah, okay. CVS.
right? So we have two vaccinations. Mm-hmm. My recommendation, what I normally would say, is just have the two in one arm. But if you want it on the different arm, it's fine. Yeah, because it frees the other arm in case you have any sore arm, it will be just on one place. So we're doing the COVID first, your booster shot. Sorry. So the next one is going to be the flu, okay? Every year. And you're good. Okay, that's wonderful. Well done. All right. Okay, should be all right. All right, thank you. Your turn. Let's go. Scream inside. So, first one is the COVID one, okay? Sorry. Easy, huh? Easy? Huh? It's not, come on. Relax, okay? Brave girl, yeah. She is brave. Oh. I know she won't mind if there were four shots, she would have taken four, right? Not really. How's it going, Shilpa? Are you enjoying it? How many shots do you have to do? अभी तो सही है, कल पता लगेगा एक्चुअल तो। अभी तो जो आर्म सोर हो जाता है, अभी तो बस इंजेक्शन का दर्द है क्योंकि दो इंजेक्शन लगे हैं एक ही हाथ में, तो दर्द तो होगा ना। और मैंने देखा था नीडल इतनी लंबी थी, इतनी लंबी। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो डॉक्टर इतना अच्छा कहता है कि एक ही हाथ में लगवा लो तो एक हाथ में ही दर्द होगा, क्योंकि दो में लगवाओगे तो दोनों हाथ में दर्द होगा, तो कहीं के नहीं रहोगे। तो हमने कहा ऑब्वियसली बात तो सही कह रहे हैं, यू नो वैसे भी वी आर ब्रेव बॉयज एंड ब्रेव गर्ल्स। एक ही गर्ल है, बॉय भी एक ही, गर्ल्स एंड बॉयज। तो हमने एक ही हाथ में लगा लिया, तो आज तो बहुत मस्त होने वाला है। मैं तो जिम भी करके आया, क्योंकि मैं स्पेशली आज गया था, मैं कल नहीं जा पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कल बीमार पड़ने वाले हैं। पहले पता है दवाई? हाँ, सब मेरे सारे फ्रेंड्स बीमार पड़े, मेरे सारे फ्रेंड्स बीमार पड़े। हाँ बता दूँ, है ना, पहले ही मैं बता दूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बीमार हो जाऊँ। मेरे तो सारे फ्रेंड्स बीमार पड़े थे, तो आई थिंक चांसेस हैं हम भी पड़ेंगे। तो नहीं, मैंने मैनेजर को बताया था, तो वो कह रही थी कि हो सकता है कि थर्सडे दो ऑफ ले। और दवाई खा के सोचा ना तुम? तो मैं तो कल ही खाऊंगा, कल देखते हैं क्या होता है, फिर बताते हैं। We'll keep you updated, guys. मिलते हैं आपसे आज तक में। एक दिन के बाद। मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया, कि वैक्सीन लगवाने के बाद 10-15 मिनट आपको वेट करना चाहिए, बैठना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे ना बैठ के गप्पे मार रहे हैं, क्योंकि अगर भी रिएक्शन होता है, अगर कुछ होता है ना, कुछ भी परेशानी होती है एकदम से होती है, तो अभी हो जाएगी, तो दे विल टेक केयर। अगर सब सही रहा तो बस हम चले जाएंगे। मेरा मास बहुत बड़ा नहीं लग रहा वीडियो में? क्यों? क्योंकि है। अरे भाई अपडेट दे दो भाई सबको, कैसे हो शिल्पा? सही हूँ। बोल के दिखाना, तेरा सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोली? सही हूँ। सही हूँ बड़ी, तू सही है ना? फिर सही है, गुड बॉय। गाइस नेक्स्ट डे हो गया है, और तेरा अपडेट दे दे कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हमें, कैसी हालत है हमारी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, शिल्पा तो बीमार है। शिल्पा को तो हो गया बुखार, क्या हो रहा है? सर दर्द। बुखार, सर दर्द और बॉडी। बुखार, सर दर्द और बॉडी एक। अब क्या हुआ, कल रात का ना थोड़ी से पहले मुझे पैरों में और हाथों में गर्माहट सी फील होने लगी, तो मुझे दिख रहा था कि भाई बुखार तो हो गया है। और रात को फिर परेशान हो, ऊपर से आज ऑफिस का काम करना था, छुट्टी तो लेनी नहीं थी मुझे। एक बड़ी क्या कर, बड़ी माइक आ रहा है, माइक आ रहा है, यू वांट एक माइक? ओके माइक। अच्छा मतलब, तो भाई मैं तो दवाई खा के सो गया, क्योंकि मुझे पता है आज छुट्टी लेनी नहीं है, ऑफिस का काम करना है, तो बीमार क्यों रहना है, तो मैं तो दवाई खा ली। शिल्पा मुझे कहती कि आपको तो, आप तो बड़ी जल्दी बीमार हो गई, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, कल कुछ हो ही नहीं, इसलिए शिल्पा ने दवाई नहीं खाई रात को, कल कुछ हो, शिल्पा को कल कुछ हो ही नहीं रहा था रात को, तो आज देखो मुझे लग रहा है छुट्टी करेगी ऑफिस की आज। कल कुछ हो, और इधर देखो नहा धो के फ्रेश हो के मस्त, कहीं से नहीं लग रहा कि कुछ हुआ भी है, तो शिल्पा दवाई खा लेनी चाहिए। कल कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हारा प्लान था ऑलरेडी दवाई खा के सोने का, फिर भी नहीं खाई क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था। पर मुझे तो एक्चुअली 3-4 घंटे बाद ही होना शुरू हो गया था, हम 7 बजे लेके आए थे वैक्सीन, और 11 बजे तक, जब तक मैं सोया तब तक हाथ पैर ऑलरेडी गर्म हो रहे थे, तो
तो मैंने कहा दवाई ले लो यार। और बाद में रात काफ़ी हार्ड थी मेरे लिए, पसीने आ रहे थे, बुखार फील हो रहा था, पता नहीं, बस लकीली दवाई खा के सोया था तो निकल गई रात। और अभी बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बस मस्त हो रहा है, तो ऐसे जैसे जिम चला जाऊँगा ऐसा लग रहा है। नहीं जाऊँगा नहीं, ब्रेक ले लूँगा। वैसे भी इस हाथ में तो दर्द है ना, दो इंजेक्शन लगे हैं कल, तो इस हाथ में दर्द तो है ही है। मेरे से तो हाथ उठ ही नहीं रहा, लेकिन आपने तो स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, मेरे तो हाथ भी टूटा। तो चलो तुम अपना आराम करो, मुझे लगता नहीं तुम ऑफिस का काम करोगी आज छुट्टी पर, आधे घंटे में तुम लॉग इन करना, अगर करना होता तो कर लेती। बट चलो आई विल टेक केयर, बडी को खाना वाना मैं दे दूँगा, बडी को। बडी यू ऑन फूड, यू ऑन एग है? अच्छा पूछ भी रही है, दिखाओ पूछ, दिखाओ सबको हिलती हुई। यू वो नैग अरे अरे अच्छा अच्छा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे आ, मेरे कंधे पे आ, गुड बॉय, यहाँ पे आ, पहले कंधे पे आओ, मेरा गुड बॉय, ओले ओले, बस 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 बस। इसको ना आजकल हमने एग देना शुरू किया है खाने में, एग मतलब फूड के साथ एग, यूजली फूड के साथ मीट देते हैं ना, अभी मीट की जगह एग दे रहे हैं आजकल। पागल हो पड़ा है, कल से ना किचन में ही बैठा हुआ है, किचन में तो लग रहा है किचन में ही सोएगा ऐसा लग रहा था मुझे। एक आध बारी ना हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ये भाई साहब किचन में ही बैठे, मैं कहा छोड़ दे भाई एग ही तो है, क्या हो गया? और ऐसा नहीं है पहली बार खाया, कई बार खा चुका है, मे भी आजकल थोड़ा शौक है। शिल्पा की तरह भी कोई नई चीज़ आती है ना पागल हो जाता है। सॉरी आज बीमार है शिल्पा, आज नहीं बोल सकता, नहीं बल्कि आज ही तो बोल सकते हैं, शिल्पा वापस नहीं बोल सकते ना कुछ। यस शिल्पा मुझे कल चिढ़ा रही थी रात को, कहती है आपकी इम्यूनिटी तो बहुत वीक है, देखो 3 घंटे में ही आपको अब बुखार हो गया। मुझे देखो मैं कितनी सही हूँ, और आज देखो पूरी वीडियो में अब तक शिल्पा कुछ नहीं बोली। चलो बाय शिल्पा, बाय। ओ मैन अब दवाई का असर उतर गया ना, तो पहले तो कैसे मैं बड़ा यानी ऐसा था कि जैसे डांस ही कर लूँगा, और अभी गर्म होने लगी, आँखें गर्म हो रही हैं, आँखें जल रही हैं। लकीली 2:30 बज गए हैं और 4 बजे छुट्टी हो जाती है ऑफिस की, तो बस 1.5 घंटा और देन यू नो आराम करेंगे। शिल्पा ऑलरेडी बेचारी बैठ के क्या पी रहे हो, गर्म गर्म कुछ पी रहे हो? कॉफ़ी पी रहे हो, वैसे ना पानी वानी पियो अच्छा रहेगा, जल्दी ठीक होगी। एक दिन कितना भारी हो जाता ना ये वाला। तो गाइस आपको और बोर नहीं करेंगे हम अपना ये रोना रोना दुखड़ा सुना सुना के, आपको सीधा दिखाएंगे कि अगले दिन जैसे ठीक हो जाएंगे ना फिर दिखाते हैं, डांस करते दिखाएंगे आप सीधा। हाय गाइस नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है और मैं हो गया फिर से जिम के लिए तैयार, सब कुछ ठीक हो चुका है, लाइक मैजिकली बिल्कुल चेंज हो चुकी है लाइफ। कल कैसे थे और आज एकदम से ठीक हो गए हैं, जिम के लिए भी तैयार हो चुका हूँ। शिल्पा भी काम कर रही है, आई थिंक कॉल पर है वो, इसलिए एक वीडियो में नहीं आ रही, पर जिम होके आता हूँ और फिर शिल्पा को लेते हैं वीडियो में, फिर बात करते हैं कि वो कल कैसी थी आज कैसी है। हाँ जी शिल्पा, सब लोग पूछ रहे हैं भाई कैसी तबीयत है, बता दो सब सबको। कौन पूछ रहा है? व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, तो बताएं शिल्पा कैसे हैं आप? क्यों क्या हुआ था? क्यों क्या हुआ था? क्यों क्या हो गया? और मैं तो जिम भी करके आ गया हूँ राइट, तो लग ही नहीं रहा कुछ हुआ था। और कल कैसे रो रहे थे ना, ये हो गया मैं वो हो गया, आप रो रहे हो गए, मैं तो नहीं रो रही थी। हां ऐसे होता है शिल्पा ना, बदल जाती है एक दिन के अंदर ही। तो गाइस ये थी कहानी हमारी कोविड वैक्सीन की, हमारी कहानी। और आई डोंट नो कि नो हर 6 महीने में यही होगा क्या, मतलब ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मतलब हर 6 महीने में मेरे को बीमार होना पड़ेगा एक दिन, यार ये तो गलत बात है राइट। पता क्या गलती कर दी आपने, इंसान मन की गलती कर दी। चल जो भी है मतलब ये देखो ना कि मतलब किसी और की गलती, कोई और किसी ने वायरस बनाया, हम भूगल रहे उनके लिए बनाया। हाँ चल जो भी है, यू नो दैट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, वी नॉट गोना डिस्कस दैट, बट हमें लाइक प्रॉब्लम हो रही है हर 6 महीने में, क्योंकि अब बूस्टर आते रहेंगे, वेरियंट्स आते रहेंगे, अब वैक्सीन लेते रहो। आई डिडंट साइन अप फॉर दैट। एनीवे गाइस ये वाला ब्लॉग ही बंद करते हैं, हम चल रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, ग्रॉसरी शॉपिंग। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओ जल्दी बात करें, मेरे हाथ में हाथ थक रहे हैं मेरे, वैसे ही उस हाथ में वैसे मैंने 2 वैक्सीन लगवाई हैं और मैंने यू नो कैमरा पकड़ा हुआ है तो हाथ थक रहे हैं मेरे। आई एम नॉट एंकी। ओके बाय गाइस, मिलते हैं आपसे एक दिन के बाद।